टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर के तौर पर साल 2015 में कामकाज संभालने के बाद एमएसके प्रसाद के कार्यकाल में कई अहम फैसले हुए। इनमें से एक फैसला ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जैसे युवा खिलाड़ियों को मौके देना भी रहा। उनकी अगुवाई में चुनी गई टीम इंडिया ने देश विदेश में प्रदर्शन तो बेहतरीन किया, लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट के मामले में टीम को निराशा ही हाथ लगी। और इन सब के बीच सबसे विवादित निर्णय, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के लिए चुनी गई भारतीय टीम से अंबती रायडू का नाम नदारद होना। ये विवाद लंबे समय तक चला और आखिरकार चयन समिति के फैसले से निराश होकर अंबती रायडू ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया और इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और हालांकि बाद में उन्होंने फिर से संन्यास के बाद वापसी तो की, अब जबकि बतौर चीफ सेलेक्टर एमएसके प्रसाद का कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो उन्होंने अंबती रायडू को टीम से बाहर करने के अपने फैसले पर बड़ी टिप्पणी की है। वर्ल्ड कप से पहले अंबती रायडू लगातार टीम इंडिया के लिए चौथे नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जब टीम का ऐलान हुआ तो उनकी जगह विजय शंकर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। यहां तक रायडू को स्टैंड बाय खिलाड़ियों की लिस्ट में जगह तो दी गई, लेकिन जब विजय शंकर और शिखर धवन चोटिल होकर वर्ल्ड कप से बाहर हुए तब भी रायडू को टीम में शामिल नहीं किया गया। उनकी जगह ऋषभ पंत और मयंक अग्रवाल को विकल्प बनाया गया। आपको बता दें, इंटरव्यू में 44 साल के एमएसके प्रसाद ने इस मामले में चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा, मुझे रायडू के लिए बुरा लग रहा है, मैं स्पष्ट तौर से ये बात कह सकता हूँ। ये बेहद करीबी मामला था। हमारी चयन समिति का हमेशा ये मानना था कि साल 2016 के जिम्बाब्वे दौरे के दौरान और उसके बाद से रायडू हमेशा ही टेस्ट टीम में चयन के लिए हमारी नजरों में थे। मैंने उनसे इस बारे में बात भी की थी, आखिर क्यों वो टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान नहीं दे रहे। अगर आपको याद हो तो हमने उन्हें आईपीएल में प्रदर्शन के आधार पर वनडे टीम में भी चुना था, जिस पर कई लोग आपत्ति जता सकते हैं। तो वहीं एमएसके प्रसाद ने और उनके मुताबिक इसके बाद हमने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में एक महीने तक अंबती रायडू को फिटनेस पर काम करने के लिए कहा। कुछ हद तक तो उन्होंने इसमें सफलता भी हासिल की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण से जो उनके साथ हुआ उसने मुझे भी दुख पहुंचाया। मैं उनके साथ खेल चुका हूं, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।